किसने शुरू की थी? तो बिहार से बच्चों कुंवर सिंह जी ने 1857 की क्रांति शुरू की थी। ही वॉज फ्रॉम द शाहबाद डिस्ट्रिक्ट, करंटली भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एंड असम वाला भी आप लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन पूछा हुआ था कि असम से जो है किस कौन 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, तो दीवान मणिराम दत्त जी जो है इससे जुड़े हुए थे। इससे वेरियस क्वेश्चंस आए हुए थे, हम लोगों ने कल के सेशन में इसको कवर किया था। आज जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो नए पॉइंट हमें देखने हैं, लॉर्ड कैनिंग ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन पूछा हुआ कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 रिवोल्ट के समय बच्चों लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ही मेड अलाहाबाद एज एन इमरजेंसी हेडक्वार्टर। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीलिम्स में कि 1857 रिवोल्ट के समय में लॉर्ड कैनिंग ने किसको जो है इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था? तो अलाहाबाद को बच्चों इस लॉर्ड कैनिंग ने इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। लॉर्ड कैनिंग वॉज अ लास्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि 1857 के बाद जो है 1858 में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। उस अमेंडमेंट से जो है इस गवर्नर जनरल के पद को हटा करके एक नए पद को जो है क्रिएट किया जाता है, जिसे हम वाइसराय कहते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो लॉर्ड कैनिंग जो है लास्ट गवर्नर जनरल था। 1857 रिवोल्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इस गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको खत्म करके वाइसराय के पोस्ट को लेकर के आया जाता है। लॉर्ड कैनिंग वाज़ द लास्ट गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द कंपनी एंड वाज़ द फर्स्ट वाइसराय अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। देखिए, जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया था, और जो फर्स्ट जो वाइसराय की हम बात कर रहे हैं, यही लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल भी था और फर्स्ट वाइसराय भी था बच्चों। ये फर्स्ट वाइसराय अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश किंग के द्वारा इस फर्स्ट वाइसराय को अपॉइंट किया गया था। अंडर द जुडिशियल रिफॉर्म्स, कैनिंग थ्रू इंडियन हाई कोर्ट एक्ट एस्टैब्लिश हाई कोर्ट एट बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। तो आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग, हु वाज़ द फर्स्ट वाइसराय अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग, इसी ने जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के अंडर जो है तीन हाई कोर्ट को स्थापित करवाया था, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ध्यान रखिएगा, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अंडर द सोशल रिफॉर्म, कैनिंग पास वीडो रीमैरिज एक्ट। अभी इस कैनिंग से जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट किसके समय में इस्टैब्लिश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में इस्टैब्लिश किया गया था। वीडो री मैरिज एक्ट 1856 किसके समय में पास किया गया था? वीडो री मैरिज एक्ट 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय में पास किया गया था। सीपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 इज नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया एंड एज एन इंडियन म्यूटनी इन इंग्लैंड। तो देखिए, इसी सीपॉय म्यूटनी 1857 को जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि किसे जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है? स्वतंत्रता का जो है पहला संग्राम, स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसे कहा जाता है? सीपॉय म्यूटनी 1857 को कहा जाता है। और इंग्लैंड में किसे जो है इंडियन म्यूटनी, इसी सीपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 को इंग्लैंड में क्या कहा जा रहा था? इंडियन म्यूटनी कहा जा रहा था। ध्यान रखिएगा, इंडियन म्यूटनी इसे इंग्लैंड में कहा जा रहा था। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अभी जो जो बातें मैंने आप लोग को बताई हैं, हर पॉइंट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लॉर्ड कैनिंग वाज अ लास्ट गवर्नर जनरल एंड ही वाज अ फर्स्ट वाइसराय। इसने जो है कलकत्ता, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में जो हाई कोर्ट इस्टैब्लिश करवाया था अंडर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इसने जो है इस्टैब्लिश करवाया था। देन इसी के समय में जो है इसी ने पास किया था वीडो रीमैरिज एक्ट 1857 और सीपॉय म्यूटनी 1857 को हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया कहते हैं, और इसे ही इंडियन म्यूटनी में इंग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सभी पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। और सॉरी, मैं एक आप लोगों से बोलना भूल गई कि पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सके। सर सैयद अहमद खान, अब यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ, असबाबे बगावत, बगावते हिंद बच्चों ये किसके समय में लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, असबाबे बगावते हिंद की जब हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों ये लिखा गया था किसके समय में? सर सैयद अहमद के द्वारा जो है लिखा गया था असबाबे असबाबे बगावते हिंद, विच वॉज पब्लिश इन 1859। तो आप देख सकते हैं कि सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि सर सैयद अहमद खान 1859 में क्या चीज, कौन सी बुक लिखी थी? तो असबाबे असबाबे बगावते हिंद लिखा गया। देन आरसी मजुमदार की हम बात करते हैं बच्चों, जस्ट वेट अ फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम बात करें आरसी मजुमदार की। आरसी मजुमदार वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू राइट ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए, यहां से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसे जो है रिवोल्ट ऑफ 1857
के बारे में लिखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अपॉइंट किया गया था बच्चों, तो ये आरसी मजूमदार जी के द्वारा अपॉइंट किया गया था, बट ड्यू टू डिफरेंसेस इन द गवर्नमेंट कमिटी ही रिजेक्टेड दिस प्रपोजल एंड ही पब्लिश हिज बुक। तो आप देख सकते हैं कि सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में लिखने के लिए किसे अपॉइंट किया गया था, आरसी मजूमदार के द्वारा जो है अपॉइंट किया गया था, बट इन्होंने जो इस चीज इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद खुद इन्होंने ही जो है अपनी एक बुक लिखी द सिपॉय म्यूटनी अंडर रिबेलियन ऑफ 1857 जो कि ऑन हिज ओन इन 1957। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो है अपनी बुक पब्लिश की द सिपॉय म्यूटनी अंडर रिबेलियन ऑफ 1857। आरसी मजूमदार सेड इट इज डिफिकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है कि किसके द्वारा कहा गया था 1857 रिवोल्ट के लिए इट वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आरसी मजूमदार जी के द्वारा कहा गया था। या फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकता कि आरसी मजूमदार जी ने किस युद्ध को जो है या फिर किस रिवोल्ट के लिए कहा था इट वाज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1857 रिवोल्ट के लिए ही इन्होंने कहा था, और आप सभी लोग को पता है 1857 रिवोल्ट को हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, आप लोगों से उम्मीद करती हूं कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने घटना चक्र से ही कवर किया है, एंड आप सभी लोगों को पता है कि ये बुक आप लोगों के एग्जाम के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ द 1857 रिवोल्ट वाज द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1850। आप देख सकते हैं कि इस 1857 की क्रांति के बाद एक क्वींस प्रोक्लेमेशन आता है 1858 में, जहाँ पे कुछ चीजें जो है चेंजेस की गई होती है, जैसे कि गवर्नर जनरल के जो पद था उसको हटा करके वाइसराय के पद को क्रिएट किया जाता है। इट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन द 1 नवंबर 1858। जो क्वींस प्रोक्लेमेशन था बच्चों 1 नवंबर 1858 को जो है ये डिक्लेयर किया जाता है इलाहाबाद में बाई लॉर्ड कैनिंग। आप लोगों को पता है कि लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। एंडिंग द कंपनी रूल इस क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो रूल था, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो गवर्नर जनरल था उसको अपॉइंट किया गया था कंपनी के द्वारा, जो फर्स्ट वाइसराय की हम बात करें तो उस वाइसराय को अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश किंग के द्वारा। तो ये जो क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 आया था, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपनी का रूल था बच्चों अब वो खत्म हो जाता है। अब जो इंडिया ब्रिटिश इंडिया की हम बात कर रहे थे, ये जो है डायरेक्ट क्राउन के कंट्रोल में आ जाता है, मींस क्वीन क्वीन के कंट्रोल में आ जाता है। दिस डिक्लेरेशन इंक्लूडेड अ बैन ऑन द फर्दर ब्रिटिश इंडिया एक्सपेंशन। अब देखिए इस 1858 रिवोल्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लगातार एक्सपेंशन किया जा रहा था, एनेक्स किया जा रहा था इंडियन टेरिटरी को, उसको जो है रोक लगाने की बात की जा रही। नो फर्दर इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ द पीपल। अब जो है क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो 1857 रिवोल्ट का तात्कालिक कारण तो हम लोगों ने इनफील्ड राइफल देखा था, जो उसमें ग्रीस कार्टेजेस यूज हो रहे थे, बट देयर वर मेनी रीजंस जो कि 1857 रिवोल्ट को जो है जन्म देते हैं। कहीं ना कहीं उसमें एक मैटर ये भी था कि ये जो अब जो ग्रीस कार्टेजेस की हम बात कर रहे थे, जिसमें जो है फैट मिला था काऊ का और पिग का, इससे जो है इंडियन सीपॉयज को ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे रिलीजन पे जो है अटैक करने की कोशिश की जा रही है, हमारे धर्म को जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। तो इस क्वींस प्रोक्लेमेशन में एक ये भी मुद्दा लिखा गया कि रिलीजियस मैटर में जो है किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू बी अवेलेबल टू ऑल। ये चीज क्यों लिखा, क्योंकि जो है जो इंडियन सीपॉयज है जो ब्रिटिश से, तो कहीं ना कहीं उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनकी सैलरी में, उनके पे अलाउंसेस में, उनके जो आप कह सकते हैं जो पद उन्हें दिया जा रहा था, पोस्ट दिया जा रहा, उन सभी चीजों में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। ब्रिटिश स्टॉप्ड ऑल फर्दर एनेक्सेशन ऑफ द नेटिव स्टेट्स एंड किंग्स वर अलाउड टू अडॉप्ट। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोविजंस थे इस क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, आफ्टर द सप्रेशन ऑफ 1857 रिवोल्ट पील कमीशन, ये जो पील कमीशन नाम लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पील कमीशन जो है किससे जुड़ा हुआ था। पील कमीशन जो इस 1857 रिवोल्ट के बाद पील कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जाता है, वॉज कंस्टिट्यूट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। तो सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, दिस पील कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ
इंडियन आर्मी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ध्यान रखिएगा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, ये पॉइंट याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द कमीशन डिवाइडेड द आर्मी ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए अब ये जो पील कमीशन था जो इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने की बात करता है, एक्चुअली आप सभी लोगों को पता है कि जो 1857 रिवोल्ट हुआ उसमें इंडियन सीपॉयज इन्वॉल्व थे। अब मैक्सिमम जो है ब्रिटिश आर्मी में जो है इंडियन सीपॉयज ही अवेलेबल थे, तो उसी वजह से जो है कहीं ना कहीं आप ये ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि जब हम इनका रेशियो कम करेंगे देन ओनली ये जो है सर्वाइव कर पाएंगे भारत में, अदरवाइज जो है फिर कभी जो है इस प्रकार का रिवोल्ट शुरू किया जा सकता है इंडियन सीपॉयज के द्वारा। तो इस पील कमीशन ने जो है जो आर्मी थी उसकी जो आपके उसको जो डिवाइड करने के लिए बोला ऑन द बेसिस ऑफ रेस कास्ट रिलीजन कम्युनिटी एक्सेट्रा था। नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स, अब ध्यान रखिएगा जो नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको बढ़ा दिया गया और जो इंडियन सीपॉय इंडियन ट्रूप्स था उसको जो है घटा दिया गया। अब देखिए नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज फ्रॉम 45,000 इन 1857 टू 65,000 इन 1858। वहीं जब हम बात करते हैं इंडियन ट्रूप्स की उसको देख सकते हैं आप रिड्यूस कर दिया गया 2,38,000 से रिड्यूस कर दिया गया 1,40,000 तक। तो आपको क्या देखने को मिला कि यूरोपियन सोल्जर्स का रेशियो बढ़ाया गया है और इंडियन सोल्जर्स का रेशियो बच्चों उसको घटाया गया है। रेशियो ऑफ द यूरोपियंस टू इंडियन सोल्जर्स इन बंगाल वाज 1:2, जहां आप देख सकते हैं आपकी जो रेशियो था रेशियो जो है यूरोपियन सोल्जर्स का क्या कर दिया गया, यूरोपियन टू इंडियन सोल्जर्स 1:2 कर दिया गया और मद्रास में इसको जो है बच्चों 1:3 कर दिया गया। आफ्टर द रिवोल्ट सॉरी एक्सक्यूज मी सॉरी फॉर दिस, द रेशियो द यूरोपियंस टू इंडियन सोल्जर्स इन बंगाल वॉज, अब देखिए बंगाल में कितना था रेशियो 1:2 था और मद्रास की हम बात करें मद्रास में क्या रेशियो था 1:3 था। रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे वो रिक्रूटेड मोर फ्रॉम द गोरखा सिख एंड पंजाब प्रोविंस, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इन लोगों ने असल में इस 1857 रिवोल्ट को सप्रेस करने में जो है ब्रिटिशर्स की मदद की थी, इसीलिए जो है अब इन प्रोविंसेस से जो है यहाँ से जो है सोल्जर्स को रिक्रूट किया जा रहा था। जॉन बेनेट हियर्से वॉज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बैरकपुर व्हेन रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक दिया। अब यहां से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बैरकपुर जब 1857 रिवोल्ट जो है वहां पे होता है, तो जॉन बेनेट हैरिसे वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बैरक को। तो याद हो गया होगा आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ से जो है सोल्जर्स को इस 1857 रिवोल्ट के बाद जो है बच्चों रिक्रूट किया जा रहा था, तो गोरखा सिख एंड पंजाब प्रोविंसेस से जो है रिक्रूट किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ, वेरियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्चुअली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि विस्काउंट पामर्सटन की हम बात कर रहे हैं वॉज देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। अब सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था जब 1857 रिवोल्ट हो रहा था, तो बच्चों विस्काउंट पामर्सटन जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे और इनका टेन्योर क्या था इस विस्काउंट पामर्सटन का 1855 से लेके 1858 एंड 1859 से लेकर के 1865। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरियस टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जनरल जॉन निकोलस की हम बात करते हैं, डाइड ऑन 14 सितंबर 1857 ट्राइंग टू रिकैप्चर दिल्ली। सर हेनरी लॉरेंस, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या नाम लिखा हुआ, ये वो नाम लिखे हुए हैं जो लोग जो है जिन लोकेशंस को जो है रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। जनरल जॉन निकोलस जो है दिल्ली को जो जब रिकैप्चर कर रहे थे उसी समय जो इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं जब हम बात करते हैं सर हेनरी लॉरेंस की, मेजर जनरल जनरल हॉरलॉक की एंड जनरल नील की डैड इन लखनऊ इन 1857 रिवोल्ट प्रोटेक्टिंग द ब्रिटिश रेजिडेंसी। अब देखिए ये जो तीन नाम लिखा हुआ है, तीन नाम है, चार नाम ऑप्शन में था उसमें से पूछा हुआ था, इसमें से कौन जो है लखनऊ में जो है ब्रिटिश रेजिडेंसी को किस बचाते समय जो है किसकी मृत्यु नहीं हुई थी लखनऊ में। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हॉरलॉक एंड द जनरल नील। ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हॉरलॉक एंड जनरल नील, इनकी जो है मृत्यु लखनऊ में हो जाती है 1857 में रिवोल्ट के समय में ब्रिटिश प्रेसिडेंसी को बचाते समय। देन सर जेम्स की हम बात कर रहे हैं, सर जेम्स वुडराम एंड डब्ल्यू टेलर टर्म द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ, किसने जो है इस 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी कहा है, तो जेम्स वुडराम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा जो है इस चीज को कहा है। एक चीज और आप लोग को बता दूं कि थियोरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, तो प्ले लिस्ट में जो है 1857 रिवोल्ट के बारे में लेक्चर अवेलेबल है, तो आप जो है उस लेक्चर को भी सुनिएगा, उसके बाद जो है इस प्रीवियस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। पार्ट 6, 7 एंड 8 ये 1857 रिवोल्ट से जुड़े हुए सभी पॉइंट्स को सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है।
सर जेम्स उट्राम की हम बात कर रहे हैं, डब्ल्यू टेलर की बात कर रहे हैं। इन्होंने 1857 रिवोल्ट में जो है क्या कहा था, रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। उट्राम सेड दिस वाज मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी इन विच द हिंदूज कंसर्न्स वर यूज्ड फॉर द रिवोल्ट। आप देख सकते हैं कि अलग अलग थिंकर्स की जो है, अलग अलग लोगों की जो है अलग अलग थॉट थी 1857 रिवोल्ट के प्रति। और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछा हुआ है कि किसने जो है 1857 रिवोल्ट के लिए जो है क्या चीज कहा था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड। हम देखिए क्या कह रहा है कि जॉन लॉरेंस एंड सीले ने क्या कहा है। ये केवल और केवल क्या था, सी पॉइंट म्यूटनी था। तो देख सकते हैं अलग अलग लोगों की जो है अलग अलग राय है। जॉन लॉरेंस एंड सीले ने कहा था बच्चों कि ये जो है एक सी पॉइंट म्यूटनी है। ये जो है हमारा लास्ट स्लाइड है जिस्ट वाला, उसके बाद जो है जो रिमेनिंग प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उस पे हम फटाफट आएंगे। चलिए हम देखते हैं जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा था। इट वाज अ सी पॉइंट म्यूटनी। और टी आर होम्स की हम बात करते हैं, टी आर होम्स क्या कहते हैं, इट वाज अ वार बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। आप देखिए बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन के बीच में जो है वार है, ये किसने कहा था, टी आर होम्स ने कहा था। देन किसने कहा था कि ये सी पॉइंट म्यूटनी है, जॉन लॉरेंस एंड सीले ने कहा था। वी डी सावरकर ने क्या कहा था, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देखिए वी डी सावरकर की जो बुक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब देखिए ये सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखा गया है, तो वी डी सावरकर जी के द्वारा लिखा गया है। वी डी सावरकर ने कहा था कि ये जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, टर्म दिस रिवोल्ट एज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को वी डी सावरकर जी ने कहा था कि ये जो है ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल था आजादी के लिए, जो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल था। और इसे इन्होंने क्या कहा, इट वाज अ फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो याद हो गया होगा इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक वाज रिटन बाय द बीडी सावरकर एंड टी आर होम्स सेड अबाउट द 1857 रिवोल्ट दैट इट वाज अ वार बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द गवर्नमेंट हिस्टोरियन ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज सुरेंद्रनाथ सेन। अब यहाँ से किस सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने जो कौन है जो गवर्नमेंट हिस्टोरियन था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में 1857 रिवोल्ट के लिए, कौन था, तो सुरेंद्रनाथ सेन थे, जिन्होंने जिनकी बुक थी 1857, उस 1857 को पब्लिश किया गया था 1957 में। तो आप देख सकते हैं बच्चों 1857 वाज पब्लिश इन 1957। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं, द गवर्नमेंट हिस्टोरियन ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज सुरेंद्रनाथ सेन हुज बुक 1857 वॉज पब्लिश इन 1957। अब चलिए बच्चों हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए अब हम यहाँ से जो है अपने क्वेश्चन, कल का जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था वो यही क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सी जो टेरिटरी है, कौन सा पार्ट है जिसमें जो 1857 की क्रांति में जो है प्रभावित नहीं हुआ था। ए झांसी, बी जगदीशपुर, सी सॉरी बी चित्तौड़ दिया, और सी जगदीशपुर एंड डी लखनऊ दिया हुआ है। यूपीएससी 2005 एंड उत्तराखंड पीसीएस मीन्स 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोगों ने कल ही देखा था झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, इन सभी जगह से जो है कोई ना कोई लीडर जो है इस 1857 रिवोल्ट को शुरू किया था, सिर्फ इस चित्तौड़ का नाम नहीं मेंशन था। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जिन्होंने बी टिक किया है उसका आंसर सही है, बी चित्तौड़ वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। चलिए हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। चित्तौड़ वॉज अ टेरिटरी विच वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। झांसी, जगदीशपुर एंड लखनऊ वर द प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए झांसी, जगदीशपुर एंड लखनऊ वर द प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ द 1857 रिवोल्ट 1857, ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे देखिए झांसी में हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा था, जगदीशपुर में अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा था, बिहार से जो है कुंवर सिंह जी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। लखनऊ अवध की हम लोग बात कर रहे थे, बेगम हजरत महल जी जो है यहाँ पे नेतृत्व कर रही थी, जिन्होंने अपने माइनर सन ब्रिजिश कादिर को जो है नवाब डिक्लेयर किया था।
चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा मैच द फॉलोइंग है, झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। अब देखिए क्या कह रहा है कि लिस्ट टू में लिखा हुआ मौलवी अहमद शाह, बी दिया हुआ सी सेकंड दिया अजीमुल्ला खान, थर्ड दिया हुआ है बेगम हजरत महल एंड फोर्थ दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई। अब देखिए थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने कहा था कि झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई, देन तो आप यहाँ से देख सकते हैं ए से ए का जो है आंसर फोर होगा। देन लखनऊ में अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, बेगम हजरत महल की हम बात कर रहे थे, तो बी का क्या होगा आप देख सकते हैं, आपकी सीधे सीधा ऑप्शन ए हमारे पास आ गया, ए का फोर एंड बी का थ्री, सी का जो है टू होगा, मींस कानपुर में जो है अजीमुल्ला खान की हम बात कर रहे थे, एंड देन मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद की हम बात करें तो फैजाबाद में बच्चों मौलवी अहमद शाह या फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह इन फैजाबाद। तो ध्यान रखिएगा कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में बच्चों हम लोगों ने देखा था अजीमुल्ला खान एंड फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। ये नाम याद करते जाइएगा बिकॉज अभी जो क्वेश्चंस आने वाले वहां भी आपको मैच द फॉलोइंग देखने को मिलेगा, आप लोगों को मैच करना पड़ेगा कि किस जगह से जो है किस लीडर के द्वारा जो है 1657 रिवोल्ट का नेतृत्व किया गया था, जिन्होंने 8 A इसका आंसर मार्क किया उनका जो है सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज लेड बाई रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, बेगम हजरत महल इन लखनऊ। अगर अवध भी आता है तो बेगम हजरत महल ही लिखिएगा आप लोग, अजमुल्ला खान कानपुर एंड फतेहपुर एंड मौलवी अहमदुल्ला शाह इन द फैजाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज एंड द प्लेस। एक बार पहले प्लेस देख लेते हैं हम लोग, दिल्ली दिया हुआ है, कानपुर दिया हुआ है, लखनऊ दिया हुआ है, असम दिया हुआ है। अब लखनऊ का तो आप लोगों को मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए कि लखनऊ में बच्चों बेगम हजरत महल, चलिए यहाँ पे जो है बेगम हजरत महल का नाम नहीं लिखा हुआ, मौलवी अहमदुल्ला एक्चुअली जो है यहाँ पे लखनऊ में जो है यहाँ पे एक जगह से एक एक से ज्यादा लीडर भी शुरू किए इस 1857 की क्रांति में हिस्सा लोगों ने लिया था। कानपुर की बात करते हैं अब हम लोग, तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कानपुर में बच्चों नाना, हम लोग जो है नाना साहेब की बात कर रहे थे कि कानपुर से जो नेतृत्व किया था 1857 रिवोल्ट का वो नाना साहेब थे। तो ए का क्या होगा, टू वाला ऑप्शन जो है ए का जो है टू होगा। देन हम बात करें नवाब हामिद अली खान की, तो नवाब हामिद अली खान अगर हम कहते हैं तो नवाब हामिद अली खान बच्चों इन्होंने दिल्ली से जो है नेतृत्व किया था। देन मौलवी अहमदुल्ला खान की हम लोग बात कर रहे हैं, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया लखनऊ। देन मनी राम दीवान की हम बात करें, इन्होंने जो है असम से नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए ए का टू जो ए का टू होगा। देन नवाब हामिद अली खान की हम लोग बात करें जिनका दिल्ली, बी का वन होगा। देन सी की हम बात कर रहे, सी का थर्ड होगा एंड डी का फोर होगा, मीन्स डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूपी आर ओ ए आर प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए इसके एक बार एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। नाना साहेब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से एंड मनी राम दीवान बच्चों असम से, इन्होंने यहाँ से जो इन जगह से। आप लोगों से मैं फिर से बोलूंगी कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं उनके सभी चीजों को जो है याद करते जाएगा बिकॉज जो कमिंग क्वेश्चन है उनके एक्सप्लेनेशन जो है प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नवाब साहेब नाना साहेब जो है कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से एंड मनी राम दीवान असम से। ध्यान रखिएगा लखनऊ से जो है ये बेगम हजरत महल का भी नाम जुड़ा हुआ है। देन दीवान मनी राम दत्त इनकी हम बात कर रहे हैं असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए क्या दिया हुआ है, चार जगह चार नाम दिए, प्लेसेस दिए, लीडरशिप दिया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब एक चीज बताइए कि इसने से बोला कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। संभलपुर से क्या सुरेंद्र शाही थे, गंजम से क्या राधा कृष्ण दंदसेन थे, कश्मीर से क्या गुलाब सिंह थे, लखनऊ से क्या लियाकत अली थे। यूपीपीसीएस प्री 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों। देखिए कोई आप लोगों ने जो है इसमें से तीन नाम तो मैं अभी इस जो हम लोगों ने जिस डिस्कस किया इसमें से दो नाम आप लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन एक नाम तो आप लोग को कन्फर्म है। लियाकत अली की अगर हम बात करते तो लियाकत अली बच्चों अलाहाबाद से जुड़े हुए थे, लखनऊ से नहीं जुड़े हुए थे। लियाकत अली वॉज एसोसिएटेड विद द अलाहाबाद, अलाहाबाद में इनके नेतृत्व में जो है 1857 रिवोल्ट की क्रांति शुरू की गई थी। लखनऊ की बात अगर हम लोग करें तो लखनऊ में जो है मौलवी अहमदुल्ला हम लोगों ने पढ़ा, देन बेगम हजरत महल हम लोगों ने पढ़ा था, लियाकत अली इलाहाबाद से। तो सीधा सीधा जो है जब यहाँ पे लियाकत अली इलाहाबाद से है, लखनऊ से नहीं है, तो डी वाला पेयर जो है ये गलत है, ये करेक्टली मैच। रिमेनिंग याद कर लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संभलपुर से सुरेंद्र शाही, गंजम से राधा कृष्ण दंदसेन,
एंड कश्मीर से गुलाब सिंह। देखिए ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जितने चार ऑप्शन दिए तो चारों के बारे में आपको पता हो, जो पता हो उससे जो है आप लोग आंसर जो है सही करने की कोशिश किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। लियाकत अली वॉज एसोसिएटेड विद इलाहाबाद, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन आर करेक्टली मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए मैंने जो है इस जो भी इसका सही आंसर उसके बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही, कि कौन जो है गवर्नर जनरल 1857 रिवोल्ट के समय में। ध्यान रखिएगा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1857 रिवोल्ट तक। उसके बाद जो है क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 में आता है, जब वहां पे जो है इस गवर्नर जनरल पद को जो है खत्म करके वाइस राय के पद को लेकर के आया था, और वही बंदा जो लास्ट गवर्नर जनरल रहता है भारत का उसे ही जो है इस लेके जो गवर्नर जनरल रहता है उसको अपॉइंट किया जाता है, बट उसको जो है कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया रहता है। और वो वही जब क्वींस प्रोक्लेमेशन की वजह के बाद जो है फर्स्ट वाइस राय उसे बनाया जाता है, तो उसे जो है ब्रिटिश किंग के द्वारा जो है फर्स्ट वाइस राय बनाया जाता है। यूपी आर ओ ए आर ओ मीन्स 2013 में, यूपी पीसीएस प्री 2012, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005, यूपी पीसीएस प्री 1990 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ। फटाफट आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड का मैं आप लोगों को समय दे रही हूँ। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया था कि कौन था वो जो लास्ट गवर्नर जनरल था भारत का, एंड हु वॉज द फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। सी इसका आंसर सही है, जिन्होंने सी मार्क किया उसका सही है, लॉर्ड कैनिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों, लॉर्ड कैनिंग वॉज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। ही वॉज अ लास्ट गवर्नर जनरल जो कि अपॉइंट किया गया था कंपनी के तौर ऑफ द कंपनी इन इंडिया, एंड द फर्स्ट वाइस राय अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। ये भी हम लोगों ने देख लिया। इंडियन हाई कोर्ट की हम बात करते हैं, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत कल बॉम्बे कलकत्ता और मद्रास में जो है हाई कोर्ट नियुक्त अपॉइंट एस्टैब्लिश किया गया था इस लॉर्ड कैनिंग के समय में ही, और इसे जो है वीडियो रिमैरिज एक्ट 1856 को पास किया था। इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म वीडियो रिमैरिज एक्ट 1857 वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी। आप लोगों से फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटेड डाउन करते चलिए, बिकॉज मे बी जो है कुछ चीजें आप लोग को याद ना हो तो उस पेज को एक बार जब निकालेंगे एग्जाम के टाइम में तो आप लोग को वहां चीजें सभी रिकॉल हो जाएंगी कि ये चीजें हम लोगों ने इस सेशन में पढ़ा था।